पंजाब के गादीवारे शहर लाहौर में बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के नाले वाले मुसविरन पारा तैयार कल कुरानी आयतुन की नुमाइश जारी है। अलहमरा आर्ट गैलरी में जारी इन नुमाइश में ईरानी चित्रकारन पारा कुरानी आयतन के ईरान के मशहद शहर के मखसूस पत्थर ए ईरानी काठी से बेहतरीन अंदाज से लिखो वो है। ईरान के अड़े सकाफती सरगर्मियों बाबत ईरानी कल्चरल सेंटर के मीडिया कोआर्डिनेटर जो चवण हो त गो के इससे पहले 1956 से ही सरगर्मियां सकाफती तौर पर जारी और सारी थी, लेकिन 1979 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा बिग चेंज, मेजर चेंज देखने को मिला। तब से लेकर अब तक पिछले 32 सालों में हर माह मुबारक के रमजानुल मुबारक में ईरान की जानिब से मुख्तलिफ फनकार आते हैं, और जैसा कि किसी ईरानी शायर ने क्या खूब कहा है कि हुनर नज़्द ईरान अस्त बस्त, कि अगर फनून लतीफा किसी के पास है तो वो ईरान के पास है, ईरान के पास है, ईरान के पास है। ईरानी काउंसिल खाने कल्चरल सेंटर के ताउन से मुनद कल पंजी नोयत के इन मुनफरिद नुमाइश में वे तदाद में लाहौर वासन दिलचस्पी वरती। ईरानी काउंसिल खाने में आर्ट जा क्लास वठंदड़ ईरानी जाई नुसरत अरब जो चवण हो तो खताती ईरान में कदीम जमाने का है, जने ते ईरान जे मानुन जे खून में आर्ट शामिल है। उनके खून में है, ईरान के लोगों के खून में आर्ट है। कहते हैं कि ईरान के हाथों में सिर्फ आर्ट है, ठीक है। फिर ये है कि ईरान कभी भूल नहीं जाएगा कि मेरे खून में आर्ट है, और हमेशा ये आर्ट को, ये हुनर को हमेशा ऊपर ऊंचाई में लेके जा रहे हैं, और अभी भी उसी तरह है। ईरान के चोटी के मुसविर अहमद कायम मकामी पांजे जज्बन जो इजहार कंदे चयो त हु काफी खुश थियो आहे, जने त बिरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जा मानू जिंदा दिल ऐं मोहब्बत करण वारा आहिनि। برگزاری نمایشگاه در شهر لاهور پاکستان بود، ولی بسیار بسیار با خاطره خوش. قطعا از پاکستان خواهم رفت. ملت پاکستان علاوه بر اینکه به لحاظ دینی هم دین و هم کیش و هم آیین من هستند، مسلمان هستند. قرآنی آیتون جه نمایش می ایرانی کلچرل سنتر پارا مختلف قرآنی نسخہ پیڑ रखा व्या हुआ। कुरानी आयतुन की नुमाइश में आयल मानुन सिंध टीवी न्यूज सा इन मुनफरिद नुमाइश बाबत पंजा विचार कुछ इन रीत वंडिया। ईरानी मुसवरों की नुमाइश देखने के लिए आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बल्कि मैं कहूँगा कि इंतहाई खूबसूरत एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है यहाँ पे। और इस तरह की जो एग्जीबिशन हैं वो पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो नुमाइशें हैं उनका एहतमाम होना चाहिए। जी तो खबर अव ईरान जो कैलीग्राफी के हिसाब से जो वर्ल्ड लेवल ते नालो है, ये सिर्फ अज की तारीख ना है। अगर तुम हिस्ट्री के अगर आप दिसो तो मुगल का भी जेके मुगल आर्टिस्ट भी जेके हुआ वे ईरान आर्टिस्टन का इंस्पायर हुआ, बल्कि स्पेशली मुगल आर्ट अगर मिनिएचर में दिसो तो वो स्पेशली ईरानी आर्टिस्ट हुआ जे उनके बेस बनाए अगते मुगल आर्ट में आयो। ईरान के नाले वाले चित्रकार अहमद कायम मकामी नुमाइश में इंदड़ कुछ मानुन तोड़े सिंध टीवी न्यूज की टीम के कुरानी आयतुन जा तोहफा पिण दिना। बरकतन वारे महीने रमजान ए 14 अगस्त के हवाले से ईरान के चैन नाले वारे मुसविरन पारा कुरानी आयतुन के हवाले से थल ही नुमाइश यकीनन अकीदत जो इजहार है। कैमरामैन नदीम अब्बास से कमाल लश्हरी, सिंध टीवी न्यूज, लाहौर।